हाँ बाय द वे, आई हैव गॉट प्रीटी डिसेंट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम माय लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था कि सर भी आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो एंड ऑल दैट. थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट्स. थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन रादर. एंड मैंने लिंक फिर से छोड़ के रखा है, सो आई होप यू विल लाइक इट. सो थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हाँ तो बेसिकली आज हम लोग ये बात करेंगे कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सैलरी कि आपको वीज़ा मिल सके. वेलकम टू द ब्लॉग. मैं बहुत लोगों से बात करता रहता हूँ और वो लोग बोलते रहते हैं, अरे यार मेरी सैलरी तो सिर्फ 20,000 रुपये है, मेरे को वीज़ा मिलेगा क्या, मेरा वीज़ा कैंसिल ना हो जाए मैं जब अपना डॉक्यूमेंट जमा करूँ एंड ऑल दैट. ये कुछ मिथ है, मैं ट्राई करूँगा कि ये तोड़ पाऊँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपकी सैलरी और वीज़ा अप्रूवल, इसका साथ कोई ताल्लुकात है नहीं. दैट्स नंबर वन. द सेकेंड थिंग इज दैट बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स आपको ये समझाते हैं कि यार मैं ही हूँ जो आपका वीज़ा लगा सकता हूँ, तो मैं जो बोलूँ, मैं अगर आपको बोलूँ चार फर्जी लाइन लगा लो, वो लगा लो एंड ऑल दैट, कभी मत करना. बिकॉज कभी अगर पकड़े गए तो ये आपका पासपोर्ट की बैंड बच जाएगी, उस कंट्री से आप रुक जाओगे एंड योर नेम विल बी प्लास्टर्ड अक्रॉस ऑल प्लेसेस कि ये बंदा झूठ बोलता है. सो आपका हमेशा के लिए वीज़ा मिलने का चक्कर गया. नाउ हम लोग जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, सो वो क्या देखता है बंदा, जो वीज़ा ऑफिसर, ये देखता है कि बॉस ये कहाँ का है. तो आपका पासपोर्ट विल क्लेम कि आप कहाँ के हो. सेकेंड, वो देखेगा कि आपकी और कुछ हिस्ट्री है कि नहीं. अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री है तो नो प्रॉब्लम, गुड. फॉर एग्जाम्पल प्लेसेज लाइक साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड हो गया, या फिर हांगकॉन्ग हो गया, या फिर सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया, ये लोग कोई नहीं पूछते कि भैया आपका आपका ITR दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, कुछ नहीं मांगते. दे मोर देन हैप्पी कि आप आ रहे हो और उसके कंट्री में आके पैसा दे के जा रहे हो. सो यू बी रेस्ट अश्योर्ड कि कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आपका सैलरी स्लिप दिखाओ. यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में होता है और वो मांगते हैं आपके ITR, वो मांगते हैं आपकी कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स. तो मान लीजिए आपका CTC, चलो सो कॉल्ड नॉट सो ग्रेट, जो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख है, तो हाँ बोलने ही वाला है. बट हैविंग सेड दैट, वो भी गारंटी नहीं है. तो 2 लाख वाले हैं या 2.5 लाख वाले हैं, उनकी कैंसिलेशन नहीं आएगी. अब जस्ट वीज़ा रिजेक्शन नहीं होगा, ऐसी कोई गारंटी है नहीं बॉस. कोई ट्रैवल एजेंट अगर आपको बोले कि अरे नहीं नहीं आपको टेंशन नहीं, आपका तो 2 लाख रुपए सैलरी है आपका, मैं शेंगेन वीजा में लगा के देता हूँ, ऐसा कोई गारंटी है नहीं, होने नहीं वाला है. अगेन लेट मी रिपीट, नो ट्रैवल एजेंट हैज अथॉरिटी टू कंफर्म और प्रॉमिस यू आपको वीजा लगने ही वाला है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपका सो कॉल्ड सैलरी कंपैरेटिवली कम है यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, आप अपने FD अगर डॉक्यूमेंट है वो दिखाइए, आपका अगर कुछ SIP चल रहा है वो दिखाइए, आपका कोई LIC है वो दिखाइए, ताकि ऐसा लगे कि ये बंदा एक तो भाग के वहाँ जाने नहीं वाला है, नंबर वन वहाँ रहेगा नहीं, सेकेंड इज दैट ही और शी हैज एनफ एंड मोर रिलेवेंट बैलेंसेज एट होम जिसको वो बाद में यूज करेगा. तो ए बी वेरी क्लियर कि ये मेरा है, दिस इज हाउ इट इज, डोंट फज. कोई भी मैंने देखा हुआ है, मैं किसी के साथ बैठा था, वो वीजा के काम करते हैं, तो एक बंदा आया, वो बोला कि अच्छा कितना सैलरी लगेगा कम से कम बताइए. तो ये सर आपको ये क्यों पूछना, बोला नहीं नहीं मेरे को बोला गया कि अच्छा सैलरी होगा तो ही मेरे को यूरोप का वीजा मिलेगा, आप सैलरी बता दीजिए वो कैसे लाना है वो मैं दिखा दूंगा. तो ये रवैया गलत है, ये मत कीजिएगा कभी भी. सेकेंड, बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. अब बता दीजिए ये आपकी सैलरी है, लेकिन ये आपके FD है, ये आपके नाम के घर है, फलाना ढिमकाना है, और वो भी अगर यूरोपियन कंट्री मांगे तो, US के यूरोपियन कंट्री मांगते हैं थोड़े बहुत, साउथ ईस्ट एशियन जापान वगैरह में तो कुछ नहीं लगता ये सब. सो अगेन कोई भी आपको समझाए कि आपकी सैलरी कम है तो आपको नहीं मिलेगा, आपकी ये कम है तो आपको नहीं मिलेगा, वो गलत है, ऐसा होता नहीं है. सो प्लीज़ बी रेस्ट अश्योर्ड, ट्रैवल खुल रहा है, तो आई एम सिंसियरली होपिंग दैट आप लोग जाके ट्रैवल करेंगे. कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो अगर आप चाहो तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आया, मेरे से जो भी हो पाएगा, मेरे पास अगर कोई जान पहचान है तो मैं बात करके देख लूंगा कि ये सही है या गलत है. लेकिन आप ट्रांसपेरेंट रहिए, आपकी सैलरी के साथ वीजा का कोई ताल्लुकात है नहीं.
नॉर्मल रहिए, जितना भी डिटेल दे सकते हैं वो दीजिए, अगर मांगा जाए तो। ओवर एम्बिशियस होके भी ज़्यादा डिटेल मत दे दीजिएगा। वीज़ा फॉर्म पढ़ लीजिए, एकदम आसान होता है। फोटोग्राफ के साइजेस मेंशन किए रहते हैं वो देख लीजिए, कहीं फेस इधर 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 एंड ऑल दैट, वो सब रहता है। एंड या आई थिंक जस्ट जस्ट एंजॉय योर ट्रैवल एंड बी सेफ, दैट्स द ओनली थिंग विच आई कैन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सावधान रहे, सतर्क रहे एंड सतर्क रहे एंड या एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फील लाइक। थैंक यू वेरी मच।